निहारी मसाला बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, सौंफ 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून, साबुत धनिया 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और टू टेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और साबुत गरम मसाले में हमें चाहिए साबुत काली मिर्च 1/2 टीस्पून, 4 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, तेज पत्ता, बादियान का फूल और ये है जायफल का पाउडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें मैं ये साबुत काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये फूल, साबुत धनिया, सफेद जीरा, सौंफ, ये तमाम चीजों को अब हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पीस के पाउडर बना लेंगे। ये इन सबको ड्राई रोस्ट किया है, बस इसमें से अच्छी से खुशबू आना शुरू हो गई है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब मैं इसमें ये जायफल का पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ये इसमें मैं क्रश रेड चिली ऐड कर रही हूँ। फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑन पे मत कीजिएगा वरना ये आपके आंखों में और नाक में चढ़ जाएगी मिर्च। बस ये गरम गरम था तो इसके साथ मिक्स हो गया। अब हम इसको पाउडर बना लेंगे। ये मसाला हमने पीस लिया है, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमारा निहारी मसाला रेडी है। आप इसे एयर टाइट जार में बंद करके 6 मंथ तक रख सकते हैं। और 1 kg मीट में इसके 2.5 से 3 टेबल स्पून आप यूज़ करें, और ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हॉट चाहिए तो। ये हमारा निहारी मसाला रेडी है।